महाराष्ट्र के जलगांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके मुताबिक कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकारी गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को कपड़े उतारकर पुरुषों के सामने डांस करने के लिए मजबूर किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज पिंजरी के अनुसार, हम लोग किसी और काम से हॉस्टल गए थे, लेकिन वहां जाकर हमें इस मामले का पता चला। इन लड़कियों ने बताया कि उन्हें बिना कपड़ों के डांस करने के लिए मजबूर किया जाता है। जलगांव के जिलाधिकारी अभिजीत राउत ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जिस वीडियो में लड़कियां कपड़े उतरवाकर डांस करवाने की बात कह रही है, वो वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो के मुताबिक एक लड़की सीढ़ियों की खिड़की से सामाजिक कार्यकर्ता से बात करती है। वह इन सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहती है कि मेरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए, जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता इस वीडियो में कहते हैं कि नहीं दिखाई देगा, आप बोलो, आपके मामले को हम जिला अधिकारी के सामने रखेंगे। लड़की का चेहरा नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो कहते हुए नजर आती है कि हमें लगभग बिना कपड़ों के डांस करने के लिए मजबूर किया जाता है। हमें ऐसा खाना मिलता है कि उसके बारे में भी नहीं बता सकते। सरकार की ओर से राशन लेकर ये लोग हमें खाना नहीं खिलाते हैं। ये लोग लड़कियों से पैसा लेते हैं और वे अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हैं। इस वीडियो में लड़की हॉस्टल के प्रबंधन की आलोचना करती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर लड़कियों की आलोचना झेल रही महिला हॉस्टल अधिकारी रंजना जोपे ने बताया कि संस्थान में किसी तरह का कोई गलत काम नहीं हो रहा। जिस लड़की का वीडियो वायरल हुआ, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह यहां गर्भवती लड़कियों की पिटाई भी कर चुकी है। रंजना जोपे ने बताया कि वीडियो रिकॉर्डिंग की बात सामने आने पर उन लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को हॉस्टल आने की अनुमति नहीं दी। वीडियो के वायरल होने के बाद इस घटना पर काफी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। राज्य में मौजूदा बजट सत्र के दौरान भी इस मुद्दे ने तूल पकड़ा। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सदन के अंदर इस घटना की जांच कराने के आदेश भी दिए हैं।